सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट ब्राउन ब्रेड दही वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप इसे बिना गैस ऑन किए आसानी से बना सकते हैं, तो इस होली पर आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आइए देखते हैं ब्राउन ब्रेड दही वड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए, ये ब्राउन ब्रेड है, इसके साइड्स को मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, इसमें मैं ब्रेड को डिप करूँगी। और 1 कप मैंने दही लिया है, इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। और ये कुछ चीज़ें मैंने गार्निशिंग के लिए ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी चटनी ली है और थोड़ी सी इमली की चटनी ली है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लें, इमली की मीठी चटनी। और ये गार्निशिंग के लिए भी मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, भुना ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला है, और थोड़ी सी मैंने ग्रेट की हुई गाजर ली है और थोड़ा सा मैंने अनार के दाने लिए हैं। तो आइए देखते हैं ब्राउन ब्रेड दही वड़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 पीस ब्रेड का लेंगे और इसे दूध में डिप करेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ देंगे इसे हल्के हाथ से प्रेस करके, और इसको एक बॉल का शेप दे देंगे। अच्छी तरह से दबा कर प्रेस करके हम इसको बॉल का शेप दे देंगे। अच्छी तरह से दबा कर इसे बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए, ऐसे हम अपने सारे ब्रेड को बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको दबा दबा कर प्रेस करके बॉल का शेप दे देना है, जैसे हमारे दही वड़े होते हैं, वड़े का शेप देना है इसे। आप चाहें तो इसको हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे बॉल को बना लेंगे। ये मैंने ब्रेड को वड़ों का शेप दे दिया है। अब हम इसे एक एक करके दही में डाल देंगे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दही में ही पड़ा रहने देंगे। ये हमारे वड़ों को दही के अंदर भीगते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें से सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप पूरी तैयारी करके रखिए इसको, और जैसे ही गेस्ट आए फटाफट इसमें गार्निशिंग करके सर्व करिए। ये मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अच्छी तरह से दही डाल देंगे इस पे, और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे या आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। लाल मिर्च डालेंगे और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी ऑप्शनल है, अगर आप ना खाते हैं तो ना डालें। और मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इमली की चटनी के साथ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और ये आप गार्निशिंग करके भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रेट की भी गाजर डाल दीजिए, थोड़ा सा अनार के दाने डाल दीजिए। गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं, सेव भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे ब्राउन ब्रेड दही वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारे इंस्टेंट ब्राउन ब्रेड दही वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही जल्दी बनते हैं ये और बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं खाने में। तो इस होली आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।